फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस, अट्रैक्टिव, सबका मन मोह लेने वाला ब्लू डायमंड ड्रिंक, जो आप 7-स्टार होटल्स या 5-स्टार्स में पीते हैं। मैं बिल्कुल वही घर के सामान से, बाजार से आपको कुछ नहीं लाना पड़ेगा। जनरली जब हम ब्लू ड्रिंक बनाते हैं, या जिसे आप ब्लू मॉकटेल भी बोलते हैं, उसके लिए हमें सिट्रस ब्लू सिरप या फिर कुरसाओ सिरप की जरूरत होती है, जो हर जगह इजीली मिलता नहीं है, और बड़ी बड़ी बॉटल हमें खरीदनी पड़ती है और यूज बहुत कम आती है। आपको वो कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही सिट्रस ब्लू सिरप यानी कुरसाओ सिरप आप घर में इजीली मिनटों में बना पाएंगे, और जब मन चाहे सर्व करेंगे अपने गेस्ट को इस ब्लू डायमंड ड्रिंक से। सब लोग देखते रह जाएंगे कि ये आपने कैसे बनाया। चलिए शुरू करते हैं स्पेशल 5-स्टार होटल जैसा ब्लू डायमंड ड्रिंक। ब्लू डायमंड ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी उसके सबसे पहले हमें बनाना होगा उसका सिट्रस ब्लू सिरप। मैंने ली है 1 कप चीनी यानी 250 ग्राम चीनी ली है, और हमें लेना होगा लगभग 3/4 कप पानी यानी 1 कप सेट कीजिए। अगर आप 1 कप चीनी ले रहे हैं तो 3/4 कप आपको पानी लेना होगा, 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा। और ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, और ये मैंने लिया है 1 संतरा यानी ऑरेंज, और 1 मौसमी स्वीट लाइम। बस सिरप बनाने के लिए हमें यही चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें संतरे यानी ऑरेंज का और स्वीट लाइम मौसमी का ऊपर का जो ये छिलका होता है, इसको हमें ग्रेट करना होगा। वैसे भी आप इस छिलके को फेंक देते, आपका वो छिलका भी यूज हो जाएगा। अंदर का ऑरेंज या मौसमी आप जूस बनाकर पी सकते हैं या उसे खा सकते हैं। तो हम बिल्कुल इसका ऊपरी पार्ट को एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। बस ऊपर का चाहिए हमें। और ये देखिए, मैंने ऑरेंज का ऊपर का छिलके का इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, और बिल्कुल इसी तरीके से मौसमी का कर लेंगे। यहाँ मेरे पास घर में मौसमी थी तो मैं ऑरेंज और मौसमी ले रही हूँ। अगर आपके पास मौसमी नहीं है तो आप सिर्फ ऑरेंज भी ले सकते हैं। 2 ऑरेंज के छिलके का कर दीजिए, ये 2 मौसमी के, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोनों के ऊपर का छिलका ग्रेट कर लिया है, और ये ऑलमोस्ट 1/4 कप निकला है। सबसे पहले गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे, गैस ऑन करेंगे, और इसमें हम डालेंगे चीनी, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, 3/4 कप पानी, चीनी को अच्छी तरीके से घुलने देंगे इस तरह चलाते हुए। और ये देखिए, चीनी घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज और जो हमने स्वीट लाइम के जेस्ट तैयार किया था यानी छिलका, और इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, और इसको थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। जैसे ही शुगर सिरप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट पूरी चाशनी नहीं बननी चाहिए, 1 स्ट्रिंग तक पहुंचने वाला होगा, फिर हमारा सिरप तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से उबलने देंगे, जिससे ये गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, और इसके अंदर जो भी हमने लेमन जूस और ये जेस्ट डाले हैं उसका ऑयल्स इसमें मिक्स हो जाए, और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सिट्रस ब्लू सिरप बने। देखिए, सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से उबल रही हैं लो फ्लेम पर। इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटी सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, बिल्कुल 1, बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे इसमें बढ़िया खुशबू आएगी और ये पड़ती है, तो आप अगर नहीं फ्लेवर लाइक करते तो आप ना डालें, और इसको इसी तरह से उबलने देंगे। तो ये लीजिए, हमारा सिरप बिल्कुल तैयार है। 7-8 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पर उबलते हुए, और ये देखिए बिल्कुल ये गाढ़ा हो गया है। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, सिर्फ थिक कंसिस्टेंसी का, जैसे सिरप्स होते हैं मार्केट के, बिल्कुल वैसा ही। और आपको मैं बता नहीं सकती इसमें से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो गैस को ऑफ करेंगे और इसको इसी तरीके से ठंडा होने देंगे। सिरप बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम एक बोल और स्ट्रेनर लेंगे और छलनी की मदद से इसको पूरा छान देंगे। अब इस सिरप में मैं डाल रही हूँ ब्लू कलर, ब्लू फूड कलर आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट पे मिल जाएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन परचेज करने का लिंक भी दिया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच ब्लू फूड कलर, और मैंने अच्छी तरीके से ब्लू फूड कलर को मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, बिल्कुल बाजार से भी बहुत ही बढ़िया आपका होममेड सिट्रस ब्लू सिरप तैयार हो गया। और हमें अब ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ परचेस करने की जरूरत ही नहीं। जब भी जरूरत हो अपना थोड़ा गर्मियों के लिए बना लीजिए,
और आप इसको एक एयरटाइट जार या बॉटल में भर करके फ्रिज में रख लें, पूरी साल ये बिल्कुल अच्छा बना रहता है। आपका जब मन हो तब आप इससे इजीली ब्लू मॉकटेल ड्रिंक बना सकते हैं। तो अब मैं लेती हूँ ग्लास, जो अभी हमने नींबू का रस यूज किया था तो हमारे छिलके बच गए थे, तो उसको इस तरीके से घुमाइए ग्लास की एज पर, और आप लीजिए चीनी यानी शुगर और इसमें हल्के से ऐसे डिप कीजिए इस तरीके से, और ये लीजिए हमारा ग्लास तैयार हो गया। लग रहा है ना कितना सुंदर। तो चलिए बनाते हैं ब्लू डायमंड ड्रिंक बिल्कुल फाइव स्टार होटल स्टाइल। तो सबसे पहले हम डालेंगे आइस क्यूब्स। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच हमारा ब्लू सिरप। वाह क्या कलर आया है। और अब इसमें हम डालते हैं 1 लेमन वेज, 1/2 छोटी चम्मच नींबू का रस, आप 1 छोटी चम्मच पूरा भी डाल सकते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आप एरिएटेड वाटर यानी सोडा भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर लिमका भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप 7-Up या स्प्राइट भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास घर में स्प्राइट है तो मैं यहाँ स्प्राइट का यूज कर रही हूँ, आप क्लब सोडा भी डाल सकते हैं। तो स्प्राइट अब इसमें हम डाल देंगे। आप यहाँ पर सोडा नहीं डालना चाहते तो आप पानी का भी यूज कर सकते हैं, आप सिंपल पानी से भी बना सकते हैं, ये उतना ही बढ़िया लगेगा। मैंने यहाँ स्प्राइट डाल दी है, और ये लीजिए हमारे 5-स्टार होटल जैसा ब्लू डायमंड ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। एक एक लेमन वेज हम इसके ग्लास की ब्रिम पर भी लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर और पीने में बहुत बहुत टेस्टी हमारी ब्लू डायमंड ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। अब चाहे इफ्तार पार्टी हो या वैकेशन में आए गेस्ट, तुरंत से बनाइए, गेस्ट भी आके देखते रह जाएंगे और पीते रह जाएंगे। गर्मियों में एकदम टेम्पटिंग और रिफ्रेशिंग ड्रिंक ब्लू डायमंड मॉकटेल बिल्कुल रेडी है। और आपने देखा कि हमने सिर्फ इसको घर के ही सामान से बनाया है, हमने मार्केट से ना कोई सिट्रस ब्लू सिरप खरीदा, और सोडा वाटर भी ऑप्शनल है, आप सिंपल चिल्ड पानी डालिए, पानी से भी ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब मैं आपको इसका एक और वर्जन बताती हूँ, ये तो हमने बनाया स्प्राइट से, अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। तो जो दूसरा ट्विस्ट है उसमें क्या करना है कि आप लीजिए ग्लास, और उसको भी मैंने इसी तरीके से ब्रिम को सजा लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आइस क्यूब्स, और अब डालती हूँ थोड़ी सी फ्रेश मिंट लीव्स यानी पुदीने की पत्तियां, और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच लेमन जूस, 1 डालते हैं लेमन वेज, और 2 बड़े चम्मच डालते हैं सिट्रस ब्लू सिरप जो भी हमने बनाया था। और अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज जूस, आप अपने घर का बना हुआ या किसी भी फ्लेवर का पाइनएप्पल जूस भी इसमें डाला जा सकता है। तो मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज जूस 1/2 कप, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा और जो ये मॉकटेल बनेगा वो देखने लायक होगा। तो अब इसमें ऊपर से हम डालेंगे, या तो सोडा हम डाल सकते हैं या हमारी स्प्राइट, ये 7-Up, तो मैं थोड़ी स्प्राइट भी इसमें डाल देती हूँ, बहुत ही गजब का ट्विस्ट। और अब मैं इस पर लगा देती हूँ 1 मिंट लीफ। वाओ सच मानिए इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इतना जबरदस्त बिल्कुल 5-स्टार होटल्स में जो ब्लू डायमंड मॉकटेल्स मिलते हैं, और जो ट्विस्टेड ब्लू डायमंड मॉकटेल्स होते हैं यानी ब्लू लगून्स और ब्लू आइलैंड जिन्हें बोला जाता है, वो बिल्कुल इसी तरह बनाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये, सभी तरीके के फ्लेवर, लेमन का, पुदीने का, ऑरेंज जूस का, ब्लू सिट्रस का, सब आपको इसमें फ्लेवर मिलेंगे। इतना टेम्पटिंग और इतना रिफ्रेशिंग कि गर्मियों में मजा आ जाए किसी को भी पीकर। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। अब इसमें 1 लगा देते हैं स्ट्रॉ, और एंजॉय कीजिए इस टेम्पटिंग रिफ्रेशिंग ब्लू डायमंड मॉकटेल को इस 2 तरीके से। तो ये लीजिए बिल्कुल हमारे तैयार है 5-स्टार होटल जैसे घर में ही बने हुए हमारे होममेड ब्लू डायमंड स्पार्कलिंग ड्रिंक, और या आप इसे बोल सकते हैं ब्लू लगून मॉकटेल, बहुत ही टेस्टी। और जैसे आपने देखा आपको मार्केट से कोई भी सिरप लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मेरे प्रोसेस से बनाइए और पूरी गर्मी
तारीफ पाइए, जिसके सामने भी सर्व करेंगे वो देखता रह जाएगा और आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें, सभी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।